अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार जो है फ्राई कलेजी मसालेदार बनाना सिखा रही हूँ। और इसमें आपको मैं दोनों तरीके बताऊँगी कि आप इसको सिर्फ फ्राई भी कर सकते हैं और थोड़ी सी मसाले के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो देखते हैं कि ये जो है कलेजी बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। जी, तो मसाला कलेजी बनाने के लिए जो हमें अज्जा दरकार है, मेरे पास 400 ग्राम जो है यहाँ कलेजी है जिसकी मैंने पीसेस कर लिए हैं और इसके ऊपर से मैंने इसकी झिल्ली उतार के इसके पीसेस किए हैं। अच्छे तरीके से धो के हमने इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है। अब जो है हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे और 1 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी, वो इस पे हम थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए लगा देंगे। साथ ही मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, गरम मसाला है और बिल्कुल 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और बस अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये जो है मैंने अच्छे तरीके से मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम अच्छे तरीके से इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर देंगे और इसके बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। जी, तो जो है अब हमारे 10 मिनट मैरिनेशन को हो चुके हैं। अब ये तमाम कलेजी में गरम घी में डाल दूंगी और इसके साथ ही हम साइड पर जो है 1/2 टीस्पून जो है दोबारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है यहाँ मैं डाल दूंगी ताकि ये भी फ्राई हो जाए। बस 1 से 2 मिनट ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक कलेजी में बिल्कुल लास्ट में जाता है, पहले हम 4 से 5 मिनट तेज आंच पे कलेजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे, पका लेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाती है। और उसके बाद जो हमने जो है थोड़ी सी इसकी ग्रेवी के लिए हमने 1 प्याज 2 टमाटर और जो है चंद हरी मिर्चें रखी हैं, वो हम इसके पकने के बाद इसमें डाल देंगे। और अगर आप ना डालना चाहें तो आप सिर्फ फ्राई कलेजी भी इंजॉय कर सकते हैं। जी, तो आप देखेंगे ये कलेजी जो है वो फ्राई हो चुकी है, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हम जो है प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें, 1 बड़ी प्याज है और जो है 4-5 हरी मिर्चें हैं और ये डालकर भी हम इसे जो है हल्की आंच पर जो है 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर तेज़ आंच करके हम भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मसालेदार कलेजी बनके तैयार होती है। 1 से 2 मिनट प्याज भूनने के बाद हम इसमें जो टमाटो का हमने पेस्ट शामिल किया है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और आंच तेज कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम तेज आंच पर इसको भून लेंगे। तो आप देखें कि मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया है। हमने प्याज को सिर्फ थोड़ा सा नरम करना है और वो हो चुका है, कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट मिनट पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून में यहाँ नमक शामिल कर रही हूँ और जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारी कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप बिल्कुल इसे नान या चपाती के साथ जो है वो खा सकते हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो देखिए हमारी कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार कलेजी है, ये खुश खुश की बनती है। तो आप ज़रूर इस कलेजी को बनाएं, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी है, कोई हीक वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आपने ज़रूर इस कलेजी को ट्राई करना है इस ईद पर और आपने मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी। ऐसी ही आसान जो है और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।